प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को ट्वीट कर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना की है। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को टेलीफोन कर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और विश्व की नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने और भारत को विश्व शक्ति बनाने में श्रीमती गांधी का योगदान इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के जन्मदिन पर राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद के आसरा और शिवाजी नगर के आनंद धाम वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से भेजकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। श्री शर्मा ने आसरा वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को फल और आनंद धाम वृद्ध आश्रम में कंबल वितरित किए। जनसंपर्क मंत्री ने शिवाजी नगर स्थित दिव्यांग हॉस्टल में बच्चों को फल वितरित किए। उन्होंने बच्चों से चर्चा कर हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने आज इंदौर की बस्तियों में घर घर पहुंचकर डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। रहवासियों से मिले उन्होंने लोगों से कहा है कि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए जनता का जागरूक होना और सहयोग बहुत जरूरी है। प्रमुख सचिव गृह श्री एसएन मिश्रा ने राजधानी भोपाल स्थित आरसीबीपी नरहुणा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में जनगणना 2021 के लिए प्रथम चरण के 6 दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिलों की पूरी जनगणना का सही डाटा तैयार करने में मास्टर ट्रेनर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए प्रशिक्षण को गंभीरता से लें, शंकाओं के समाधान के लिए संवाद जरूर करें। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस 19 नवंबर को प्रदेश की 22,812 ग्राम पंचायतों के 50,000 गांवों में प्रियदर्शनी महिला ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। महिला सरपंच अथवा महिला पंच ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगी। ग्राम सभाओं में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा कल्याण से संबंधित विषयों पर विशेष चर्चा होगी।